ये तो लग रहा पानी कम है, बर्फ मुंह में ज्यादा जाएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है तैयबा चिली शॉर्ट्स में। तो दोस्तों अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग का अफ्तारी बनने वाला है, तो चलिए हम लोग अफ्तारी बना, इससे पहले देख लेते हैं तबस्सुम कहाँ पे, उसको ढूंढते हैं। तो तबस्सुम, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आइए, हम लोग का इफ्तार बनने वाला है, तो आप लोग को इफ्तार भी दिखा देते हैं। तो इफ्तार की तैयारी हो रही है और यहाँ पे अप्पी जो है चना को भुनने वाली है, चना की घुगनी बनाने वाली हैं। तो अभी देखिए अप्पी कढ़ाई वढ़ाई में तेल डालने के बाद ये चना बनाएंगी। उसके बाद तो अब अप्पी जो है यहाँ पे चना यहाँ अप्पी का बन रहा है और यहाँ पे अब अप्पी बनाने वाली हैं ये पकौड़ी। तो पकौड़ी के लिए अप्पी ने आलू काट लिया है और यहाँ पे बेसन है और उसमें कुछ डाली हैं अप्पी, यहाँ पे नमक धनिया और मिर्च डाली हैं और इसको अब जो है ये करके पानी से बैटर बना लेंगी और फिर इसको डिप करके छाना जाएगा। तो दोस्तों आइए, और मैंने अभी पकौड़ी जो है बनाना शुरू कर दी है। देखिए यहाँ पे बैटर वैटर बना के और यहाँ पे पकौड़ी छान दे। दोस्तों लाइट का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे लाइट आता जाता रहता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अंधेरा आपको दिखता होगा। तो आप लोग लाइट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आ दोस्तों यहाँ पे दिखाओ, तो यहाँ पे पकौड़ी छान रही है गरम गरम। देखिए हमारी जो है अफ्तारी की तैयारी जो है तैयारी हो रही है और उसमें हमारा घुगनी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद पकौड़ी छना रहा है, पकौड़ी छनाने के बाद चिप्स छनाएगा। तो दोस्तों आ गया है ये खरबूजा, तो अब हम इसको कट करेंगे अफ्तार के लिए। कौन लाया है मार्केट से खरबूजा? ये लाई मुस्कान, सब वही लेके आती है। तो इसको कट कर लेंगे, खरबूजा लाल है और इस सीजन में भी थोड़ा ज़्यादा लाल नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी नया नया चल रहा है ना। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, कौन किस नबी को खरबूजा पसंदीदा फल है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंदीदा फल है या कमेंट में हमें बताइए, नबी का नाम बताइए। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका सही जवाब होगा, तभी वो कमेंट करेगा। तो ये फाइनली हमारा खरबूजा पक गया और ये जो छिलका है उसे हम खाद के रूप में प्रयोग करेंगे। चलो अब इसको रख देते हैं फ्रिज। चलो गया। ये देखिए हम रख देंगे, जगह खाली नहीं है। तो ये चटनी रखा है, इसमें स्पेस बनाना है तो हम इसमें रख दिए हैं। तो ये है मेरा छोटा सा फ्रिज। अरे वाह वाह, ये तो केक के जैसा बर्फ है, ये बिल्कुल केक के आकार का बर्फ है। आप लोग इसे ही केक की तरह कट कर लीजिए, देसी केक। ये तो लग रहा पानी कम है, बर्फ मुंह में ज्यादा जाएगा। नहीं कि गन्ना गाढ़ा है, ये देखो। अरे वाह वाह वाह, ये टपका रुआबजा में बर्फ जम गया सही में। तो सही में रुआबजा में बर्फ जम गया है। तो देखिए दोस्तों ये रुआबजा है, रुआबजा नहीं है, केचप है। ना बस करे क्या, आने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ बस बस, ज्यादा महकने लगेगा। ओ बस बस, शरबत बनाने के लिए। तो अब हमारा चीनी डला रहा है शरबत में। मुस्कान पानी दो थोड़ा हैंड पाइप से, अफ्तार का समय होने वाला है, जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ सही में 6 बज रहा, शाम 6। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चीनी और रुआबजा डाल दिए हैं और इसको शरबत से घोला जाएगा ताकि सरबत बन जाए। फिर उसके बाद हम लोग चल रहे अफ्तार में, जल्दी जल्दी प्लेट लगा लेते हैं क्योंकि समय होने वाला है। तो पहले चना डाल देते हैं, रोक दो तब तक। अब चिप्स डाल देते हैं फटाफट से, पापड़ी वाला। आलू की पकौड़ी को भी रख देते हैं और फिर फटाफट से हम लोग लेके चलते हैं। एडजस्ट कर देते हैं। चलो अब तबस्सुम चलो लेके चला जाए। तो दोस्तों हम लोग का ये फाइनली अफ्तारी यहाँ पे सेट हो गया है। अब अफ्तार हम लोग जो है रोजा खोलेंगे, तो चलिए हम लोग रोजा खोलते हैं। Thank you.
दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग अवतार कर रहे हैं, तो अवतार आज का ब्लॉग का वीडियो यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।